क्योंकि जब हम पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे काम करते हैं तो हमारे काम करने वाले, दवा इस्तेमाल करने वाले, पेशेंट, टेक्नीशियंस, वो उन सब की जो ज़बान जो सबके लिए आसान है वो उर्दू ही है। वही मुल्क तरक्की करते हैं जो अपनी ज़बान और अपने कल्चर के साथ रहते हैं और उसी में वो तरक्की के तमाम पैराहे कवर करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेशनल लैंग्वेज को भी सर्व करना चाह रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी हमारे मुल्क की। इस हवाले से ईजी उर्दू एक बहुत बड़ा मस्बत कदम है। तो अगर हमारे पास इस कम्युनिकेशन के गैजेट में ये उर्दू का एक ऑप्शन आ जाता है जिसको हम सहूलत के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, और जो टाइप नहीं कर सकता वो बोल के अपने अल्फाज का, अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, और विद इन सेकेंड्स आपका मैसेज ग्लोबली चला जाता है, तो इससे आपकी उर्दू ज़बान को भी फ़रोग मिलेगा। और उनके लिए ये एप्लीकेशन के आने का मतलब ये हुआ कि अब हमारी कम्युनिकेशन बहुत फास्ट और रिलायबल होगी। इस हवाले से मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें भी चाहिए कि हम अपने मुल्क की, अपनी ज़बान की कदर करें, और जो लोग इसके लिए एफ़र्ट्स करें हम उनको एक्नॉलेज करें। जैसा कि अभी इनको एक अवार्ड मिला, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम है जो ऐसा उर्दू लैंग्वेज की या सॉफ्टवेयर में उनको मिला है। मुझे यकीन है हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, हमारी ज़बान में, हमारे कल्चर में बहुत ताकत है। हम इसमें चलेंगे तो यकीनन पाकिस्तान तरक्की करेगा। अपने मुल्क को, अपनी ज़बान को, अपने कल्चर को प्रोमोट करें।